अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं बिलाल मिर्ज़ा आपको वेलकम करता हूँ बिलाल मिर्ज़ा वर्ल्ड के रूफटॉप एंड किचन गार्डनिंग चैनल पर। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सीड शेयरिंग के बारे में आपके साथ, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ चुका है, आ रहा है, और अब क्या क्या सीड्स लगने हैं। कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर्दियों के मौसम में सितंबर अक्टूबर में हम क्या क्या चीज़ें लगा सकते हैं, तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आया था, तो मैंने बोला आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं कोई आपको इसमें सीड्स का भी बताऊंगा, सर्दियों में जो लगने हैं जिनकी पनीरियाँ लगेंगी वो भी बताऊंगा, और जो डायरेक्ट पौधों में लगेंगे और जो सीड से ही ग्रो करेंगे वो चीज़ें भी बताऊंगा। थोड़ा सा हर्ब्स के बारे में भी आपको बताऊंगा और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, ये जैसे आप देख रहे हैं, ये है रेड लेटस कर्ली लीव्स। ये जैसे हम सलाद के पत्ते जो ग्रीन कलर के खाते हैं, ये उसी तरह के सलाद के पत्ते हैं जो कि रेड कलर में होते हैं, कर्ली लीव्स। ये आप लगा सकते हैं। ये मेथी है, ये आप मेथी के बीज भी लगा सकते हैं। ये ग्रीन लेटस है जो हम सलाद के पत्ते बाजार से लेके खाते हैं, ये वो सलाद के पत्ते हैं। ये कुछ फॉर्म्स हैं दोस्तों जो टमाटोज की हैं, ये चेरी टमाटोज इनको बोलते हैं, और ये येलो में पियर शेप में चेरी टमाटोज लगते हैं। ये पर्पल फ्रूट है, ये छोटे छोटे टमाटर से होते हैं लेकिन ये पर्पल कलर में होते हैं। ये चेरी टमाटोज जो हैं ये रेड कलर में होते हैं। मूली हम लगा सकते हैं, गाजर हम लगा सकते हैं, ये सोया है, सरसों हम ये लगा सकते हैं। मेथी, ये छोटे पत्तों वाली मेथी है जिसको हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये एक और एक्स्ट्रा सीड हो गया, तो ये हम साइड पे रख देंगे। अब ये हर्ब्स हैं, ये हर्ब्स है, ये पासले है। इसके फवायद में आपको जब एक एक करके हम ये लगाएंगे सीड्स, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। ये हम पासले लगा सकते हैं, ये ड्रैगन है, ड्रैगन भी लगेगा। गार्लिक चाइज, ये जो है ये भी हम लगा सकते हैं। ये इसमें जो है ये इसकी हम जैसे चाय बना के पी सकते हैं, ये वो है। ये रॉकेट सैलड है, ये रॉकेट सैलड भी लगाएंगे हम। ब्रोकली है। अच्छा, ये जो है सफ़ेद जो है मूली है, जैसे हम लाल मूली लगाते हैं, ये सफ़ेद मूली है। ये चाइनीज़ कोई आइसबर्ग टाइप की चीज़ है, अब ये हम देखेंगे क्योंकि ये उनके पास नहीं आई हुई थी। अब ये क्या चीज़ है, लगाएंगे तो ये जब ग्रो करेगी तो पता चलेगा। ये सीड जो है ये गाजर के हैं, ये भी चाइनीज़ लेटस है, ये भी ग्रो करेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा दोस्तों, मैं अब आपको ये बता दूं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी पनीरियां लगेंगी और कौन कौन सी चीज़ें जो डायरेक्ट सीड से होंगी। मेथी, मेथी की पनीरी नहीं लगेगी, इसको हम गमले में ही लगाएंगे और ये गमले में ही बढ़ेगी, इसकी पनीरी, इसका प्लग प्लांट नहीं बनेगा। सोया, इसका भी प्लग प्लांट नहीं बनेगा। गाजर है, ये भी हम एक एक बीज तकरीबन चार चार इंच के फासले पे लगा देंगे और ये उस बीज से ही गाजर आपकी बननी शुरू हो जाएगी। मूली भी दोस्तों इसी तरह है, क्योंकि इसकी पनीरी नहीं लगती, ये डायरेक्ट प्लग प्लांट से होगी। अच्छा, ये चेरी टमाटोज जो हैं इनकी हम पनीरियां बना सकते हैं। ये हो गया, ये पर्पल फ्रूट हो गया, येलो पियर शेप्ड हो गया, इनकी सबकी पनीरियां लगेंगी। लेटस है, इसकी भी पनीरी नहीं बनेगी, ये भी डायरेक्ट गमले में हम सीड्स लगाएंगे और एक सीड एक पौधा है और तकरीबन 15 से 20 दिन में ये आपका पौधा जो है एक छोटा सा पौधा खाने के लिए तैयार होगा। ये मेथी भी नहीं लगेगी और ये लेटस भी नहीं लगेगी।
मैं कुछ और बीज देखता हूँ दोस्तों, जो हों तो मैं आपको बताता हूँ, आप इंतज़ार करें, मैं भी आता हूँ। अच्छा तो दोस्तों, जैसे ये टमाटर है रोमा, ये F1 हाइब्रिड बीज है, और ये टमाटर जो हमारे यहाँ एक गोल टमाटर आते हैं और एक आते हैं लंबे टमाटर, तो ये उनका बीज है, ये भी आप लगा सकते हैं, इसकी भी पनीरी तैयार होगी। और ये हम एक एक करके, ये जितनी सब्जियां हैं ये सब एक एक वीडियो इसकी बनेगी, और मैं आपको फिर इनके फवायद भी बताऊंगा कि इनके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह ये चीज बीज लग सकते हैं और ये ग्रो होंगे। ये अपना स्पीयरमिंट है, ये पुदीना है जो हम लगाते हैं, ये सीड से किस तरह होगा दोस्तों ये भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी हम लगा सकते हैं। करेले का मौसम जो है दोस्तों, ये तकरीबन आएगा अक्टूबर में, तो इंशाल्लाह ये करेले की भी हम बेल लगाएंगे, इसको वर्टिकल जो है हम जो है इसको बेल को चढ़ाएंगे डनिया लगा के, और उस पर ये करेले भी इंशाल्लाह लगेंगे, तो ये भी मैं आपके साथ वीडियो बना के सेपरेट इसकी वीडियो शेयर करूँगा। और ये भी, इसकी भी पनीरी नहीं लगेगी, जहाँ हम बीज लगाएंगे ये वहीं से बेल करेले की निकलेगी। तो दोस्तों आप भी ये सब सीड्स मंगा सकते हैं, क्योंकि ये वाले जो सीड्स हैं दोस्तों ये इंडिया से आते हैं, ये इंडियन सीड्स हैं, बहुत अच्छे सीड्स होते हैं इनके, तो ये मैंने इंडिया से भी मंगाए हुए हैं। ये हमारे यहाँ पे कुछ चाइनीज सीड शॉप्स हैं जहाँ से ये चाइनीज सीड मिल जाते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम मैं लेकर आया हूँ, अब मुझे नहीं पता इनका क्या रिज़ल्ट होगा, तो ये आपके साथ जिस वक्त हम लगाएंगे इंशाल्लाह तो इनका भी रिज़ल्ट पता चलेगा कि ये किस तरह के सीड्स हैं। और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं चीज़ें दोस्तों खरीदता रहता हूँ, लेता रहता हूँ। ये भिंडी के भी सीड्स हैं, ये हम भिंडियाँ भी लगाते हैं, और जो इंशाल्लाह ये मेरे पौधे भी लगे हुए भी हैं, वो मैं वीडियो नहीं बना सका हूँ, इंशाल्लाह आपको आज या कल में मैं वो जो मैंने पनीरियाँ बना के मैंने लगा के ट्राई की थी कि भिंडी की भी पनीरी लगा के हम देखते हैं, तो सीडलिंग ट्रे में मैंने ये सीड्स डाले थे, तो देखते हैं क्या आया, वो चलती हैं, क्योंकि भिंडी का पौधा भी हम जहाँ सीड लगाते हैं वहीं से वो ग्रो करता है। लेकिन मैंने इस दफ़ा ट्राई की थी कि भिंडी की पनीरी लगा के देखी जाए, तो देखते हैं होपफुली कि वो चलता है या नहीं चलता। होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अगर पसंद आए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल जो है मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे विज़िट कर सकते हैं, उस पर बहुत से टॉपिक्स हैं जिस पे मैंने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, वो भी आप पढ़ के आपको हेल्प मिल सकती है। और जो है हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, उस पर भी हमारे बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जो कि अपनी चीज़ें हमसे शेयर करते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि जब तक मैं हूँ गार्डनिंग में आपकी हेल्प करता रहूँगा और आपकी गार्डनिंग को आसान बनाता रहूँगा। जो चीज़ें मुझे पता हैं, जो मैं सीखता हूँ, जो बड़े हैं जिनसे मैं सीखता हूँ, तो वो मैं अपने चीज़ों पर अप्लाई करता हूँ, जो मैं चीज़ें जिसमें सक्सेस मुझे इन चीज़ों में मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो आप भी ट्राई करें और दूसरों को भी बताएं। और होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, वसलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों और गिरदोनवा के सब लोगों का बहुत ख्याल रखें, शुक्रिया।